फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग इन डेटा माइनिंग्स। ठीक है, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग जो होता है वह ट्रांसफॉर्म करता है रॉ डेटा को, जो रॉ डेटा होता है उसको ट्रांसफॉर्म करता है यूजफुल एंड इफिशियंट फॉर्मेट में। इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। इट इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द रॉ डेटा इन ए यूजफुल एंड इफिशियंट फॉर्मेट इज कॉल्ड डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग में तीन टाइप्स होता है, एक होता है डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा रिडक्शन। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। जो डेटा क्लीनिंग होता है इसमें होता है मिसिंग डेटा और नोइजी डेटा होता है। डेटा क्लीनिंग में सिर्फ टू होता है, एक होता है मिसिंग डेटा होता है, एक होता है नोइजी डेटा। ठीक है, एक होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में जो होता है नॉर्मलाइजेशन होता है, एट्रीब्यूट सिलेक्शन होता है, डिस्क्रिटाइजेशन होता है, ठीक है, कंसेप्ट हायरार्की जनरेशन होता है। इसमें फोर स्टेप्स होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में, नॉर्मलाइजेशन, एट्रीब्यूट सिलेक्शन, डिस्क्रिटाइजेशन और कंसेप्ट हायरार्की जनरेशन हुआ। अब एक होता है डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन में क्या होता है, इसमें डेटा क्यूब का एग्रीगेशन करते हैं, एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन होता है, न्यूमेरियोसिटी रिडक्शन होता है और डायमेंशनलिटी रिडक्शन होता है। तो आप याद रख सकते हैं कि डेटा रिडक्शन जो होगा इसमें आप लिख सकते हैं कि डेटा क्यूब एग्रीगेशन होता है, एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन हुआ, न्यूमेरियोसिटी रिडक्शन हुआ और डायमेंशनलिटी रिडक्शन होता है। डेटा क्लीनिंग पूछा जाएगा तो उसमें मिसिंग डेटा होता है और नोइजी डेटा होता है। ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में नॉर्मलाइजेशन हुआ, एट्रीब्यूट सिलेक्शन हुआ, डिस्क्रिटाइजेशन हुआ, कॉन्सेप्ट हायरार्की जनरेशन होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।